हाय फ्रेंड्स, मुंबई किचन में आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं चिकन हंडी, जो एक ढाबा स्टाइल है। नॉर्मल चिकन करी तो घर पे सब बनाते हैं, लेकिन ये ढाबा स्टाइल की परफेक्ट चिकन हंडी बनाने के लिए मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स और टिप्स बताए हैं, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। उसके लिए आधा किलो चिकन मैंने लिया है, उसमें हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच दही। दही गाढ़ा होना चाहिए। फिर कुछ पुदीना के पत्ते हैं, जो हाथ से ही ऐसे क्रश करके हम डाल देंगे। उसके बाद बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे। फिर 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च। उसके बाद 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, और मैंने अदरक, हरी मिर्च और धनिया का पेस्ट बनाया था अलग से, वो 1 चम्मच डाल देंगे। स्वाद के अनुसार थोड़ा नमक, 1/2 चम्मच हल्दी। इसको सब अच्छे से मिला देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 नींबू का रस। इसको अच्छे से स्क्वीज़ करना है और ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि चिकन को ये अच्छे से लग जाए, कवर हो जाए। और ये सारे मिक्सचर को, मैरिनेशन को 1 घंटे के लिए हमें फ्रिज में रख देना है, तो वो चिकन मस्त सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद मैं ये चिकन मिट्टी के बर्तन में बनाने वाली हूँ, और इसमें पहले ही ये गैस पर नहीं चढ़ाना है, तेल डाल के बाद में ये गैस पर चढ़ाना है। उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 3 से 4 बारीक कटी हुई प्याज, और उसको अच्छे से भून लेते हैं। थोड़ी सी हल्की गोल्डन ब्राउन हो जाए, उसके बाद 5 से 6 कटी हुई लहसुन है मेरे पास, वो डाल देते हैं। उसको फ्राई करने के बाद मैंने 2 कटे हुए टमाटर इसमें डाले हैं, उसको भी अच्छे से सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेते हैं। फिर जो अदरक का पेस्ट था बचा हुआ, वो 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है। इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद क्रश किया हुआ धनिया और जीरा है मेरे पास, पाउडर नहीं डालनी है, क्रश किया हुआ 1 चम्मच धनिया जीरा डालना है। उसके बाद 1/2 चम्मच हल्दी, 4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, या जो भी मिक्स मसाला, अगरी मसाला, मालवणी मसाला आपके घर पे है वो आप यूज़ कर सकते हैं। 1/2 ही चम्मच धनिया जीरे का पाउडर डालना है बस। उसके बाद मेरे पास है एक ईस्टर्न का चिकन मसाला, आपके घर पे कोई भी चिकन मसाला अवेलेबल है तो वो 2 से 3 चम्मच इसमें डाल दीजिएगा, तो फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। और इन मसालों को तेल छूटने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। उसके बाद जो हमने मैरिनेट किया हुआ चिकन था वो इन मसालों में डाल देंगे, और बहुत ही अच्छे से धीरे धीरे मिक्स कर लेंगे, ताकि मसाले चिकन को अच्छे से कवर कर ले। ये बहुत अच्छे से अब मिक्स हो गया है, बस 2 से 3 मिनट के लिए इसको ऐसे ही फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें हमें डालना है गरम पानी। एक साइड पे मैंने पानी गरम करने के लिए रखा हुआ था। याद रखिए, मिट्टी के बर्तन में अगर गरम हो तो ठंडा कुछ नहीं डालना है, अगर ठंडा है तो गरम कुछ नहीं डालना है। और नॉर्मली कोई भी ग्रेवी बनाने के लिए हमें गरम पानी ही यूज़ करना होता है, तो उसका तेल अच्छे से छूटता है और मसालों का फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा रहता है। पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और तकरीबन 40 मिनट तक इसे हमें अच्छे से पकाना है। 40-45 मिनट के बाद चिकन अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1-1 चम्मच गरम मसाला और कसूरी मेथी, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी आपको चाहिए उस हिसाब से, अगर आपको डालना है तो और पानी आप डाल सकते हो, जैसे मैंने डाला है। फिर उसमें हम डालेंगे बहुत सारा बारीक कटा हुआ धनिया, धनिया का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। ये वाली स्टेप स्किप मत कीजिएगा। मैंने एक चारकोल का कोयले का छोटा टुकड़ा गैस पे गरम करने के लिए रखा है, और तब तक मैंने चिकन पे एक स्टील की छोटी कटोरी ली हुई है, उसमें रेड हॉट हो जाने के बाद चारकोल में डालूंगी, और उसके ऊपर 1 से 2 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे। जैसे ही धुआं आ जाता है तुरंत ही हमें इसको ढक देना है, और ढक के करीबन 10 से 15 मिनट तक रख देना है। ये चारकोल का जो स्मोकी फ्लेवर होता है वो चिकन में काफ़ी अच्छा लगता है। 10 से 15 मिनट के बाद हम ये चारकोल को निकाल देंगे, और जो बचा हुआ घी है वो चिकन में डाल देंगे, ताकि चिकन में स्मोकी फ्लेवर अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा। एक बार सब चीज़ों को मिला लीजिएगा, और फिर हमारा ढाबा स्टाइल चिकन हंडी बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए।
उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे के रेड सब्सक्राइब आइकॉन पे क्लिक कीजिए और बाजू के बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए, तो आने वाले सारे वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलेंगे।